हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 3 नवंबर 2016 और द हिंदू में एडिटोरियल का हेडिंग आया है ग्रीन फार्म्स एंड क्लीन एयर, अर्थात हरे खेत और स्वच्छ वायु। आइए दोस्तों डिस्कशन करते हैं। उत्तर भारत प्रतिवर्ष प्रदूषण के बादलों से घिर जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि भारत में जमीनी वास्तविकताओं एवं सरकारी नीतियों के बीच कितना अधिक अंतर विद्यमान रहता है। लंबे समय से यह बात सबको पता है कि भारत के उत्तरी राज्यों में फसल कटाई के बाद शेष बचे एग्रीकल्चरल वेस्ट अर्थात कृषि कचरे को जलाए जाने के कारण सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता अत्यंत प्रतिकूल रूप से कुप्रभावित होती है तथा वायु गुणवत्ता में कमी के स्थानीय तथा सतत रूप से गतिमान कुप्रभाव पंजाब से पश्चिम बंगाल तक दिखाई पड़ते हैं। 2.5 मिलीमीटर व्यास वाले अर्थात डायमीटर वाले हानिकारक सूक्ष्म कणिका पदार्थ या फाइन पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 इन फसल कचरों को जलाने से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक पदार्थों में शामिल होते हैं। पंजाब ने इस विषय में कदम उठाते हुए धान की भूसी अर्थात पैडी स्ट्रॉ को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पंजाब के कुछ अन्य कदम हैं। सबसे पहला, जीव भार अर्थात बायोमास के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, बायोमास को विद्युत उत्पादन में ईंधन के रूप में उपयोग करना। दुर्भाग्य से इस वार्षिक मानवकृत समस्या के लिए समर्पित इच्छा शक्ति से युक्त पद्धति विकसित नहीं हो पाई है। इसके सुधार के जो प्रयास किए भी जा रहे हैं वे सभी ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष कृषि कचरे की मात्रा का अनुपात अधिक होता है और उसकी तुलना में नियंत्रणकारी प्रयासों की सघनता काफी कम रह जाती है। किसानों की मजबूरी यह रहती है कि उनको अनावश्यक कचरों को तुरंत अपने खेत से हटाकर अगली फसल के लिए अपनी जमीन को तैयार करने की महती आवश्यकता रहती है। सर्वाधिक कृषि कचरे वाले पहले 3 भारतीय राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल। पूरे भारत में प्रतिवर्ष 500 मिलियन टन कृषि कचरा उत्पन्न हो जाता है। धान की भूसी को जलाने से न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि कृषि भूमि के जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो भी कम हो जाते हैं। विडंबना यह है कि राष्ट्रीय राजधानी तथा कुछ अन्य नगर मानसून के बाद के सर्दी के मौसम में बायोमास दहन के कारण पंगु बना देने वाले प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं। इन महीनों के दौरान पशु चारे की मांग बढ़ जाती है, जहां पर इस अनुपयोगी कृषि कचरे की बड़ी मात्रा समायोजित कर देनी चाहिए। यह द हिंदू ने सुझाव दिया है। राजस्थान में बायोमास को उपयोग में लाकर विद्युत उत्पादन के प्रायोगिक परीक्षण अर्थात पायलट प्रोजेक्ट करके दिखलाए गए हैं। मशीनों से कंपोस्ट खाद तथा बायोगैस बनाने की विधियां इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ढूंढ निकाली गई हैं। किसानों को इन विधियों को अपनाने के लिए सरकारी सहायता प्रदान करनी आवश्यक है। इन विधियों से युक्त कृषि को, ये जो विधियां इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा मशीनों से कंपोस्ट खाद और बायोगैस को बनाने की विधियां ढूंढ निकाली गई हैं, इन विधियों से युक्त कृषि को संरक्षणवादी कृषि कहा जाता है। इस संरक्षणवादी कृषि को बढ़ावा देने के 2 लाभ हैं। पहला लाभ है उच्च उत्पादकता, दूसरा लाभ है प्रदूषण में कमी। संरक्षणवादी कृषि के माध्यम से कृषक कम जुताई आवश्यकता वाले बीजों को बोने के लिए प्रोत्साहित होंगे। बीजों को जोतने की जितनी कम आवश्यकता पड़ती है, प्राप्त फसल से उत्पन्न कृषि कचरा भी उतना ही कम उत्पन्न होता है, जिससे प्रदूषण के स्तर में भी स्वतः ही कमी आ जाती है। कृषि कचरे को जलाने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है, जिससे वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तथा उत्सर्जित हानिकारक प्रदूषक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी मानव स्वास्थ्य को कुप्रभावित करते हैं। एक और उच्च कृषि उत्पादकता बनाए रखना
खाद्य सुरक्षा अर्थात फूड सिक्योरिटी के लिए आवश्यक होता है, परंतु उच्च उत्पादकता अधिक कृषि कचरा और बायोमास लाती है जिससे प्रदूषण होता है और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार से प्रतिवर्ष असमय अचानक लोगों की मृत्यु होती है और यह एक प्रकार का दुष्चक्र बन चुका है। एक अध्ययन के अनुसार यदि भारत केवल अपने वायु गुणवत्ता सूचकांकों को दक्षता पूर्वक बनाए रखे तो प्रतिवर्ष होने वाली अचानक जो मौतें होती हैं उनकी संख्या में 10% की कमी आ जाएगी। यदि सरकार कृषि कचरे से होने वाले प्रदूषण के लिए कोई ठोस योजना प्रस्तुत करे तो और अधिक अच्छा होगा। अब दोस्तों वोकैबुलरी पे ध्यान दे लेते हैं, कुछ वर्ड्स आए हैं। सबसे पहला वर्ड है कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का अर्थ है झरने की तरह सतत रूप से गिरता हुआ, प्रवाहित होता हुआ। अगला वर्ड लीजिए आयरनी, IRONY, इसका अर्थ है विडंबना। तीसरा वर्ड है अबेटमेंट, ABATEMENT, इसका अर्थ है न्यून करना अर्थात कमी लाना, उपशमन या मंदी। दोस्तों ये डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर कीजिए जिससे कि ये उपयोगी वीडियो तीव्र गति से सभी तक पहुंचाई जा सके। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि प्रतिदिन आपको नई वीडियोज द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में सुनने को मिल सकें। दोस्तों इसके साथ साथ कोई भी डाउट्स हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।